हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप 1410 गेमिंग की तरह थंबनेल के अंदर जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं या ऐड करते हैं या बनाते हैं तो वो कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बनाकर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना होगा और समझना होगा। और दोस्तों, सिर्फ मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा क्योंकि दोस्तों कलर ग्रेडिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और PNGs वगैरह कहां से डाउनलोड करना है, कैसे ऐड करना है, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को। ओके, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर ऐसे आसानी से मिल जाएगी। तो ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, फिर आपको इस वाला आइकन पर क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट कर लेना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इस टेक्स्ट पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी वीडियो है, जिस टाइप का रिलेटेड वीडियो है, उस टाइप का यहाँ पे टेक्स्ट आपको ऐड कर देना है। स्टेटस का है तो जैसा आपका वीडियो उस टाइप का कर देना है। तो मैं एग्जांपल के लिए थंबनेल मैंने टाइप किया है। उसके बाद आपको ये वाले आइकन पे क्लिक करना है ताकि आपको यहाँ पे इसको डिज़ाइन करने के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाए। तो सबसे पहले इसको कलर दे देना है, आपका जिस टाइप का थंबनेल है उस टाइप का यहाँ पे कलर आपको दे देना है। तो मैं इसको ब्लू कलर दे देता हूँ। ओके, और राइट कर देना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे फॉन्ट पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से एक बढ़िया सा फॉन्ट को चूज़ कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे वो फॉन्ट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक फॉन्ट को, कोई सा भी एक फॉन्ट को ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट को ऐड कर लिया है और इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब आपको स्ट्रोक पर क्लिक करना है और यहाँ पे आप जैसा भी कलर देना चाहो यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं इसका ब्लैक कलर ही रखूँगा और 9 रखूँगा और राइट कर देना है। अब क्या करना है, आपको सबसे लास्ट में चले जाना है और इसको ऑन कर देना है। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन आ जाएगा मिररिंग का, इसको भी राइट कर देना है। 3D शेडो भी आप यहाँ पर दे सकते हो और कलर भी दे सकते हो। तो मैं ये नहीं देने वाला है तो इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे 3D टेक्स्ट भी आपको मिल जाता है, आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। 3D रोटेट भी आप यहाँ पर कर सकते हो कुछ इस तरह से, मतलब आप यहाँ पे जिस टाइप का भी टेक्स्ट बनाना चाहते हो उस टाइप का टेक्स्ट आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे शेडो पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ऑन करके जिस टाइप की भी आपको शेडो देना है यहाँ पे दे सकते हो, जिस भी कलर में देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो मैं इसका ब्लू ही रखूँगा और राइट कर देना है। अब आपको ऊपर एक सेव का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, सेव एज ए इमेज पर क्लिक करना है और यहाँ से डिफॉल्ट पर क्लिक करके अल्ट्रा सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी कर देना है। ओके दोस्तों, अब आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है जहाँ पे आपका थंबनेल का वर्क चल रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना थंबनेल बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब यहाँ पे आपको सिंपल ऐड फोटो पर क्लिक करके थंबनेल को ऐड कर देना है। आपने जो भी टेक्स्ट बनाया है यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। ओके दोस्तों, तो फटाफट से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, इसको यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को अलग से कलर देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। कैसे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडजस्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है, हुई पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई सा भी कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जिस टाइप का आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो अब क्या करना है, कलर को मैं ग्रीन रहने देता हूँ। ओके, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट कर देना है, फिर आपको यहाँ पे रबर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से इसको कुछ अच्छी तरीके से रिमूव कर लेना है, कुछ इस तरीके से आप देखो और समझो, इस तरह से आपको रिमूव कर देना है। इससे क्या ऐसा लगेगा कि हमारा थंबनेल, मतलब कि टेक्स्ट जो है वो उस कैरेक्टर के पीछे चला जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ बिल्कुल बारीकी से इसको रिमूव कर देना है जिससे कि ज़्यादा कुछ पता ना चल पाए। ओके, तो मैं फटाफट से इसको रिमूव करके आपको बता देता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने इसको बिल्कुल बारीकी तरीके से रिमूव कर दिया है। तो अब देखो हमारा थंबनेल जो कितना अमेजिंग लग रहा है। और दोस्तों, अलग से आप इस थंबनेल के अंदर कलर को एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। पहले इसको राइट कर देना है, स्क्रॉल करना है और टूल्स पे क्लिक करना है, एडजस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसा बनाना चाहते हो वैसा यहाँ पे आप रख सकते हो। हाई, लो, हुई पे क्लिक करना है, यहाँ पे जिस टाइप का कलर देना चाहते हो उस टाइप का आप यहाँ पे कलर दे सकते हो। तो सिंपल मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको डाउनलोड का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इससे आपकी इमेज जो डायरेक्ट गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आप इस थंबनेल को कहीं पर भी अपने वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज की जो वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।